हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ जतिन दवे फ्रॉम आसपुरा स्कूल। यू नो वेरी वेल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में आपसे डिस्कस की, हमने डिस्कस की मेनार्च एंड मोनोपोज के बारे में। अब हम न्यू आर्टिकल की तरफ कंटिन्यू करेंगे, आर्टिकल 8.3.3 डी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्युरेशन एंड व्हाई। सेक्सुअल मैच्युरेशन के लिए किस तरह के प्रेशर्स इंडिविजुअली हमारे सामने आते हैं जो रिलेटेड होते हैं सेक्सुअली मैच्युरेशन के साथ। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स एसटीडी क्या है, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कही जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। दिस इज अवर कंटिन्यू 12 एक्सप्लेनिंग वीडियो फ्रॉम द लेसन 8, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू द सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाई। Individuals are under many different kinds of the pressure about the sexual maturations. Sexual maturations के लिए individually अगर जो देखा जाए तो बहुत अलग अलग टाइप के प्रेशर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे कि देर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द फ्रेंड्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन मेनी एक्टिविटीज। अपने मित्रों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है इसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने के लिए, वेदर इंडिविजुअल रियली वांट टू और नॉट। जबकि कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता हो या न चाहता हो, लेकिन उसके मित्रों के द्वारा इसे सेक्सुअल मैच्युरेशंस के लिए फोर्स किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। दूसरा, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है ज़्यादातर कि हमारा जो फैमिलीज होता है वो फैमिली ही प्रेशराइज करता है हमें जल्द से जल्दी मैरिज करने के लिए और मैरिज करने के बाद बच्चे पैदा करने के लिए। दैट मीन्स देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज टू गेट द मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग द चिल्ड्रन। तीसरा, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी हमें प्रेशर करती है टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे न हो इस बात को लेकर और किस तरह से इसे अवॉइड किया जाए। देयर कैन बी प्रेशर ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। कभी कभी प्रेशर होता है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट के दरमियान भी ऐसे प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं परफॉर्मिंग के लिए। सेक्सुअल मैच्योरेशन इज अ ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरली बॉडी ग्रोथ इज ग्रेजुअल। वैसे देखा जाए तो सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो मैच्योरेशन ग्रेजुअल है एंड टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज ग्रेजुअल। तो जैसे जैसे हम उक्त अवस्था में पहुँचते हैं, उस उक्त अवस्था में पहुँचने के बाद जातीय अनुभव के बारे में सोचना या जातीय अनुभव को लेकर उत्तेजित होना या इस तरीके की एक्टिविटी की तरफ आकर्षित होना, ये आम बात है। सम डिग्री ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट फॉर हैविंग एनी ब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन कभी कभी सम डिग्री ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरी, ये इसमें जल्दबाजी करना शायद आवश्यक नहीं होता है। मीन्स दैट द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शरीर या हमारा मन इस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होने के लिए या फिर एक्टिव होने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर फॉर हैविंग
एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे लाने के पक्ष में हम रेडी नहीं होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते हैं, ऐसे माहौल में अगर जो ये डिफरेंट काइंड के प्रेशर्स क्रिएट किए जाते हैं तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट होती है। तो ये था फिर से एक बार हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इंडिविजुअल रिलेटेड टू द सेक्सुअल मैच्योरेशन एनवायरनमेंट। Individuals are under many different kinds of the pressure about the sexual maturation. There can be pressure from the friends for the participating in many activities, whether the individual really want to or not. There can be pressure from the families to get the married and start having the children. There can be pressure from the government agency to avoid having the children. There can be pressure of the performance during the sexual act. And sexual maturation is gradual and takes place while generally body growth is gradual. Therefore, some degree of the sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for the sexual acts or for having and bringing up the children. Second question dekhte hain, what are the sexual transmitted diseases? Means STD. Ab hum baat kar rahe hain एसटीडी के बारे में। द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ टू इंडिविजुअल्स। सो मेनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्ट। देखिए सेक्सुअल एक्ट मतलब के जातीय आवेग को तृप्त करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के दौरान अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ द बॉडीज, पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर एक दूसरे से करीब आते हैं, दोनों हाईली एट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही तीव्र उत्तेजना को महसूस करते हैं, एंड सो मेनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू द सेक्सुअल एक्ट। और ऐसे हालत में ऐसे सेक्सुअल एक्ट के दौरान बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसे ट्रांसमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, सिफिलिस एंड गोनोरिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं सिफिलिस एंड गोनोरिया। इस टाइप के डिजीज अगर जो दोनों में से किसी एक पार्टनर को है तो वो दूसरे को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हैं जैसे कि वार्ड्स और HIV एड्स। Using the condom during the sexual act helps to prevent the transmission of many such infections to some extent. तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए जो कि बैक्टीरियल या वायरल बेस पर है, हमें जहाँ तक हो सके कॉन्डम की सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए, कॉन्डम का यूज करना चाहिए, खास करके सेक्सुअल एक्ट के दौरान, जो हमें हेल्पफुल बनता है प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मेनी सच इन्फेक्शन में, ये हेल्पफुली बन सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन थे। फिर से एक बार एसपीडी को फिर से रिपीट कर ले। द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडी ऑफ टू इंडिविजुअल। सो मेनी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल एक्ट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन example of the syphilis and gonorrhea, and viral infections is the example of the warts and the HIV AIDS. Using a condom during the sexual act helps to the prevent the transmission of many such infections to some extent. तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, हमारा एजुकेशनल पॉइंट था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, जिसमें हमने आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर किए, what different kind of pressure, what different kind of pressure on individual related to the sexual maturation and why, और दूसरा हमारा क्वेश्चन था वो था what are sexually transmitted diseases means STD। तो इस वीडियो में यहाँ तक, आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।